भारत ने 10 सालों में वो कर दिखाया जो बड़े बड़े देश नहीं कर पा रहे थे। इन 10 सालों में भारत जिस रफ्तार से आगे बढ़ा, उसे दुनिया के शक्तिशाली देशों के साथ साथ भारत के दुश्मन फूट फूट कर रो रहे हैं। अब चीन को ही देखिए, वो भारत से दोस्ती की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन अब ये नामुमकिन है क्योंकि चीन ने भारत के पीठ पर हमला किया है। अब चीन के हमले का जवाब भारत ने तो दे दिया। इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो 600 बिलियन डॉलर्स क्रॉस कर गए हैं। वो कह रहे हैं बहुत जल्द 1 ट्रिलियन तक हमने पहुंचना है, जबकि हमारी तरफ आर्मी चीफ की तरफ से भी कल के रोज ये बयान आया कि पाकिस्तानी अवाम कशकोल उठाकर फेंक देंगे, कशकोल उठाकर बाहर फेंक देंगे और जल्द से जल्द हम हर कीमत पर इससे जो है वो पाकिस्तान को का बहरान से निकलने में मदद करें। इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन जो है अब एप्पल और ऑरेंज का कंपैरिजन नहीं है। दे डोंट बिलोंग टू द सेम लीग, जिसमें के कोई थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है तो आप कंपेयर कर देते हैं। तो चाइना जिस तरीके से एक पटकनी खाता हुआ नजर आ रहा है, चाइना का जिस तरीके से सिकुड़न हो रही है, चाइना जिस तरीके से उसका मार्केट शेयर भी घट रहा है, विश्व में उसका व्यापार भी कमज़ोर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, उसका अपने देश के अंदर से कंपनियाँ भाग रही हैं, इन सब के अलावा और भी देश के अंदर पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उसके अंदर भी एक बड़ी भारी फूट किस्म की हमको देखते हुए नज़र आ रही है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके चलते अंदर से बाहर से बिजनेस जो कि इनकी मेन बैकबोन है, इनकी रीढ़ की हड्डी, वो भी टूटती हुई नज़र। तो कई सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अब दुनिया भर में जो लोग प्रेडिक्ट करते थे ना कि US को सरपास कर जाएगी, वो लोग अब कहने लगे कम से कम 20 साल के लिए तो कोई चांस नहीं। जो लोग पहले कहते थे 2026-27 में सरपास कर जाएगा, वो कहते हैं अब तो कहते हैं कि अगले 20 साल तो नहीं हो सकता, उसके बाद शायद ऐसा कुछ करिश्मा कर जाए चाइना। जी जहाँ तक ये इस बात का ताल्लुक है कि इंडिया ने 600,000 का जो माइलस्टोन है वो क्रॉस कर दिया, तो ये ज़ाहिर है एक रिमार्केबल अचीवमेंट डेफिनेटली है, लेकिन ये खबर नहीं है जैसा कि मैंने बहुत डिफरेंट जगहों पे ये कहा है कि खबर वो होती है जिसमें कोई नई बात हो। अब ये इंडिया के लिए कोई नई बात नहीं है। दरअसल चीन को चिप उपकरणों के निर्यात पर जापान ने बैन लगा दिया है और बता दिया कि चीन भारत से दुश्मनी का मतलब बहुत बुरा होता है। अब सवाल ये कि ये बैन क्यों लगाया गया, तो इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो ये कि जब भारत में चिप की बड़ी फैक्ट्री लगेगी तो जापान क्यों चीन के साथ जाएगा। और इस प्रतिबंध के पीछे की जो वजह है वो जापान ने बता दी है। चीन इसका यूज अपनी सेना के लिए करता है और यही वजह है कि वो सैन्य उपयोग के लिए उपयुक्त उच्च स्तरीय सेमीकंडक्टर बनाने से रोकने की अमेरिकी नेतृत्व वाले प्रयास के तहत उन्नत चिप बनाने वाले उपकरणों के निर्यात पर जापान का प्रतिबंध अब प्रभावी हो। इसको आपको किस चीज से कंपेयर कर रहे हैं? 600,000 बिलियन 600,000 डॉलर जो हैं, 600,000 कह रहा हूँ मैं, 600 बिलियन जो डॉलर्स हैं उनका आप मुवाजना करें एक ऐसे मुल्क के साथ जिसकी ट्रेजरी में टोटल जो है वो 10 बिलियन डॉलर मैक्सिमम हो, तो जश्न बनना शुरू हो जाता है कि आज दुनिया के कई देशों की कंपनियां जो चिप बनाती हैं वो भारत में प्लांट लगवा रही हैं, जिससे साफ होता है कि चीन का ये तमगा भारत के सिर जा चुका है। खैर, सेमीकंडक्टर सेक्टर में भारत अब अपना दबदबा कायम रख रहा है और चीन में खलबली मच चुकी है, लेकिन सवाल ये कि चीन को झटका देने के बाद क्या जापान भी अमेरिका ब्रिटेन ताइवान के बाद भारत में बड़ा निवेश करेगा? जो दुनिया में जो इकोनॉमी के हवाले से जो देखते हैं इसको, ये एक एक्सपेक्टेड बात है, एक नॉर्मल बात है। और अब इस तरह की जो जिस ट्रैक पे इंडिया चल रहा है, विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल सी द न्यूज़, मोर न्यूज़, गुड न्यूज़, चूंकि उन्होंने अब एक तरक्की का रास्ता इख्तियार कर दिया है। जैसे ही जापान ने अपना फैसला सुनाया वैसे ही चीन भन्ना गया और देने लगा ऊट पटांग बयान। चीन ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि जापान के इस प्रतिबंध के बाद चीन ने चेतावनी दी कि वो अगले महीने से चिप निर्माण में प्रयोग होने वाले दो दुर्लभ धातुओं गैलियम और जर्मेनियम के निर्यात को सीमित कर देगा। अब दो सवाल है कि कैसे चीन अपनी सेना के लिए चिप का यूज करेगा और क्या ये मान लिया जाए कि चीन को हर सेक्टर से उखाड़ फेंकने की तैयारी भारत की? मासोकिस्ट कहते हैं इसको, जो नफ्सियात की जबान में, जिसमें लोगों को अपने ऊपर तशद्दुद करने से मजा आता है। अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है या इंटेलेक्चुअल है या इंटेलिजेंसी है, उनको भी अपने ऊपर ज़हनी तशद्दुद करके मज़ा आता है। इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन जो है अब एप्पल और ऑरेंज का कंपैरिजन नहीं है। दे डोंट बिलोंग टू द सेम लीग,
जिसमें कि कोई थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है तो आप कंपेयर कर देते हैं। आप इंडिया को जो है वो इस वक्त इस तरह कंपेयर करने का मतलब ये है कि आप अपनी जो सफरिंग है और जो फेलियर है उसको अभी तक भी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। आप बाकी देखें तो वहाँ की स्टेटें जो हैं उनके अंदर इस वक्त जो तरक्की हो रही है, जो डेवलपमेंट के मुख्तलिफ प्लान्स जिन पे अमल हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रही है, वो पाकिस्तान से ज़्यादा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये चैप्टर क्लोज हो गया है और इसको क्लोज होना चाहिए, क्योंकि अगर इस चैप्टर को हम क्लोज नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का वही एटीट्यूड है इस वक्त इंडिया के बारे में फैक्टर है। हालांकि ये भी डिस्पैरिटी जो है ये हाईली मिसअंडरस्टूड है, क्योंकि इसमें पर कैपिटा इनकम का ताल्लुक जो है वो अल्टीमेटली जाके आपकी पॉपुलेशन से बनता है ना। पर कैपिटा का मतलब ये है कि आपकी जो टोटल वेल्थ है उसको जब आप डिवाइड करते हैं पूरी पॉपुलेशन पे, तो इंडिया की पॉपुलेशन को देख लें और पाकिस्तान की पॉपुलेशन को देख लें, या जाहिर है 22 करोड़ और 1,30 करोड़ का तो मुकाबला नहीं ना। तो इस फैक्टर को इग्नोर करके करते हैं कि अगर आप इंडिया के अंदर जो इंडिया की उस वक्त वेल्थ थी वर्थ थी 80s में, उसको अगर आप डिवाइड करें 20 करोड़ पे और फिर निकालें जो है पर कैपिटा, तो फिर जाहिर है कि वो डिफरेंट हो जाएगा। जैसे आज हो गया $1200 है पाकिस्तान में, इस वक्त करोड़ों लोग ऐसे हैं जो $1 पर डे पे भी गुजारा कर रहे हैं, बल्कि पैनीज पे, क्या कहते हैं वो डॉलर के जो सेंट्स होते हैं, पैनीज लूनीज, उस पे जो है वो गुजारा करते हैं। गुरबत की सतह जो है इन 30-35 सालों में पाकिस्तान में करोड़ों लोग जो है वो गुरबत की सतह से नीचे चले गए। डिफॉल्ट से लीगल और टेक्निकल बचाव है, इस पे ये स्टेटमेंट नहीं बनती जो प्राइम मिनिस्टर ने दी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर वो बात औकात अपनी फील्ड में मिस्टर बीन को भी कई दफा पीछे छोड़ दिया उन्होंने। ये मजाया और पंजाबी में मजाकिया किस्म की स्टेटमेंट है। ये जो आप डिफॉल्ट से बचे हुए हैं IMF के परों के नीचे आके, तो आप बचे हैं इसलिए कि ये एक टेक्निकल और लीगल डिफॉल्ट से आप बचे हैं। स्टेटस ऑफ आपकी इकोनॉमी क्या है, तो उस हिसाब से पाकिस्तान ऑलरेडी डिफॉल्ट हो चुका है अमली तौर पे। अब ये मजाकिया अंदाज में जो है आपने $8-10 बिलियन इधर उधर से लेके और आपने आपको गिरव रख के, अब ये आप मत कहें कि आपको डॉलर जो है वो, जाहिर है कि आप कहने की भी हिम्मत नहीं करते कि क्या क्या टर्म्स और कंडीशंस हैं। चाइना विश्व भर में पटकनी तो खा रहा है आज। आज चाइना का जो मार्केट है, जो चाइना का जो आज मार्केट शेयर है, जो उनका उसका व्यापार है, उसके ऊपर चोट पड़ रही है, ना सिर्फ भारत के अंदर, विश्व भर में। भारत के अंदर भी थोड़ा सा लोगों में, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा ही अल्टरनेटिव में मिलना चालू हो गए हैं, और थोड़ा सा सहूर भी आया, क्योंकि चलो जिस चीज़ में आपको अल्टरनेटिव नहीं मिल रहा है वहाँ पर आप चाइनीज़ प्रोडक्ट खरीद रहे हो, तो समझ में आता है कि भाई मजबूर वो कोई भी करेगा, उसमें कुछ भी गलत नहीं। जैसे मोबाइल फ़ोन में आपके पास में अल्टरनेटिव नहीं है, कोई सस्ता फ़ोन चाहिए तो आपको चाइनीज़ फ़ोन ही लेना, मतलब वैल्यू फॉर मनी चाहिए तो चाइनीज़ ही लेना पड़ेगा। लेकिन कई सारी चीज़ें हैं जिसमें ऑप्शन है हमारे पास सिर्फ चाइनीज़ के लिए नहीं। जैसे आप पानी की बोतल लेने जाते हैं तो एक आपके पास में किनली है अमेरिकन कंपनी, एक आपके पास में बिस्लरी है, तो आप काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इस प्रकार से कर सकते हैं। यदि ऑप्शन वाली चीज़ें आप लेना चाहो तो काफ़ी कुछ किया जाता है। पर इसी को थोड़ा सा और एक्सटेंशन करके देखें तो विश्व भर में जो बड़े बड़े मार्केट्स हैं चाइना के, चाहे वो जापान हो, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया हो, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो यूरोप हो, हर जगह से एक नहीं कई सारी छोटी मछलियाँ मिल करके इस बड़ी मछली को खाने का काम कर रही हैं। तो आज वो ज़माना नहीं रहा जब एक बड़ी मछली सब छोटी मछलियों को खा जाती थी, और भारत भी अपना साइज़ बढ़ा रहा है, भारत भी अपना जो है वो पैर फैला रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी। आईटी के सेक्टर में तो चलो पहले भी भारत अच्छा करता आया है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, अन्य उन सेक्टर में जिससे चाइना दमदार पैसे कमाता है, चाइना कपड़ों के व्यापार से बहुत ज़बरदस्त पैसे कमाता है। एक्सपोर्ट यदि आप उठा के देखोगे चाइना की, तो उसमें से टॉप थ्री में हमेशा जो है वो कपड़े नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है। तो भारत में आज कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग बेहतर है, तो कई चीज़ें भारत में आज हो रही हैं। साथ साथ में विश्व के अंदर से भी अलग अलग जगहों से या तो इनका मार्केट छिन रहा है, या तो इनके ऊपर पाबंदियां लग रही हैं, या तो इनके ऊपर जो कर्जे लिए वो नहीं लौटा रहे, अलग अलग तरह के इनको फटकार जो है वो पड़ती ही जा रही हैं।